12 नवंबर को पूरे मतदान को लेकर सिरमौर जिला में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों पर यहां धारा 144 भी लागू की गई है। धारा 144 लगने के बाद 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर प्रचार को इसमें चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक छूट रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रामकुमार गौतम ने बताया कि अंतिम दिन मतदान केंद्रों के लिए 178 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है और देर शाम तक सभी 563 बूथों पर मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 270 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लाया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाए जा सके। आज हमारी जो है 178 जो है पोलिंग पार्टीज डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हेडक्वार्टर से रवाना होगी पोलिंग सेंटर्स के लिए। आज ये पार्टियां और पिछले कल हमारी 385 पार्टियां गई थी, वो आज सभी मतदान केंद्रों में जो हमारा एक बूथ होता है, मतदान केंद्र होता है, उसको सेटअप कर देंगी प्रॉपरली। साथ में लगभग हमने जो है 2700 लोग जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में लगाए हैं जो कि मतदान करवाएंगे। इसके अलावा हमारे 55 सेक्टर अफसर हैं जो ड्यूटी पे हैं। 45 हमारी SST FST जो है वो दिन रात जो है वो काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके का जो है इस तरीके का कोई भी मटेरियल जिसमें कैश है, लिकर है या फ्रीबीज हैं वो ना बांटी जाए ताकि इलेक्शन किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो सके। जो अंतिम 48 घंटे का प्रोटोकॉल जो लागू हो गया है, कल ही हमने धारा 144 जो लगाई है जिसके तहत जो है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का असेंबली होना जो है वो उसमें जो है इकट्ठा होना जो है वो अवैध करार किया गया है। लेकिन उसमें डोर टू डोर कैंपेन जो है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कैंडिडेट का जो है वो चल सकता है, उसमें उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला में 16 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगी। इसके साथ ही जिला में 10 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं जहां कई सुविधाएं मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। जिला में हमारे जो है वो 10 जो है मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें और अधिक सुविधाएं जो है वो वोटर्स के लिए रखी गई हैं। हर एक कंस्टिट्यूंसी में 2 हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 हमारे जो हैं वो महिलाओं द्वारा संचालित, जो महिला हमारे पोलिंग पर्सनल हैं उनके द्वारा संचालित बूथ होंगे। और इसमें जो 5 जो है हमारे नाहन में है, 5 हमारे पौंटा में और बाकी 3 कंस्टिट्यूंसी में हमारे 2-2 जो है महिलाओं द्वारा संचालित मतदाता केंद्र रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अभी शराब ठेकों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रोक लगाई गई है। 5 दिसंबर तक किसी भी तरीके का एग्जिट पोल कोई चैनल प्रसारित नहीं कर पाएगा। ऊपर हमारा इलेक्शन कमीशन की अभी गाइडलाइन आ गई है कि जो हमारा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल है उस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। और ये प्रतिबंध जो है वो जब भी हमारा गुजरात का सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन है 5 तारीख को 5:30 बजे तक जो है लागू रहेगा। उसके बीच में कोई भी मीडिया, कोई भी चाहे लोकल मीडिया, स्टेट मीडिया, डिस्ट्रिक्ट का मीडिया है, वो किस तरीके का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो है वो जारी नहीं कर सकता है। मैं भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बैंड्स हैं, जो लिकर बैंड्स हैं, वो भी पूर्णतः उनको भी बंद कर दिया गया। और किसी तरीके का जो है वो लिकर का जो सेल है या कंजम्पशन पब्लिक प्लेसेस पे वो टोटली जो है वो बैन है। अगर कोई पाया जाता तो उसमें जो है उसके कानूनी तौर पे उस पर कार्यवाही जो अमल में लाई जाएगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।